उनका पीडीए परिवारवाद है, उनका पीडीए दंगावाद है, उनका पीडीए अपराधवाद है। उनके पीडीए में कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। जिसने कुछ का साथ कुछ का विकास किया हो, जब सत्ता में रहे हों, कुछ ना किए हों और सत्ता से जाने के बाद सब कुछ करने का वादा कर रहे हों, तो जनता समझदार है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है, जब भी चुनाव होगा सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई भी दल भाजपा के खिलाफ अलग अलग लड़ेंगे तो भी साथ मिलकर के लड़ेंगे, तब भी कमल ही कमल खिलेगा। राहुल गांधी की धार लगा रहे हैं, अच्छे नहीं है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री को अभी से उतरना पड़ रहा है। देखिए, उनको आराम करने की आदत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जनता की सेवा करने की आदत है, तो जिन्होंने शोषण किया है वो सेवा का मतलब नहीं जानते हैं, वो टिफिन बैठक का मतलब नहीं जानते हैं, वो महाजनसंपर्क का मतलब नहीं जानते हैं, महाजनसंपर्क से महाजन समर्थन जुटाने का मतलब नहीं जानते हैं, महाजन समर्थन से महाविजय प्राप्त करने का मतलब नहीं जानते हैं। वह तो सीटी बजाओ और सब उनको वोट दे दें, तुष्टिकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति के आधार पर कुछ दिनों के लिए सत्ता में जरूर रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए तरीके बदल गए हैं। अगर जो सेवा करेगा जनता आशीर्वाद देती है। सर, सिविल कोड को लेकर के कांग्रेस है, सपा है, उनका ये कहना है कि भ्रम फैला रही है बीजेपी लाने से ज़्यादा। भ्रम कांग्रेस फैलाती है, बीजेपी क्या फैलाने की जरूरत है। हमारे तो ये प्रमुख वैचारिक मुद्दे हैं, जिसमें से धारा 370 समाप्त हो गई है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, UCC भी हमारा प्रमुख मुद्दा है, उसको लेकर के जनता में चर्चा है, जो भी निर्णय होगा उचित समय पर होगा। भ्रम कांग्रेस ना फैलाए, विपक्ष ना फैलाए और वैसे भी जनता समर्थन में। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, करें उनको ये वोट बैंक की। उनका पीडीए परिवारवाद है, उनका पीडीए दंगावाद है, उनका पीडीए अपराधवाद है। उनके पीडीए में कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। जिसने कुछ का साथ कुछ का विकास किया हो, जब सत्ता में रहे हों, कुछ ना किए हों और सत्ता से जाने के बाद सब कुछ करने का वादा कर रहे हों, तो जनता समझदार है।